हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये जो नंबर सिस्टम है, ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इजी है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कॉलेज लेवल पे, या फिर आपके स्कूल लेवल के लिए भी, जो जहाँ पर भी कंप्यूटर आपका सिखाया जाता है, ये नंबर सिस्टम होता ही होता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कंप्यूटर में जो नंबर यूज़ करते हैं वो है 0 और 1 को। इसी नंबर सिस्टम के ऊपर बेस करके ही पूरा कंप्यूटर काम करता है। तो इसलिए ये नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर साइंस में जो पढ़ रहे हैं, आईटी में पढ़ है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है तो उसमें भी एक पार्ट होता है जहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ईजी है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल नंबर मतलब जिसका बेस है 10, एंड ऑक्टल इसी नंबर से पता चल रहा है इसका बेस है 8। इस डेसिमल दिया गया होगा तो इसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जिसको डेसिमल नंबर होगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर पे। नंबर लेते हैं 3, 9, 6। ये जो नंबर है ये आपका डेसिमल नंबर में है, जिसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल नंबर पे, जिसका बेस है 8। वो कैसे करेंगे, ये एक इंटीजर नंबर है तो इसको हम लोग इस राइट साइड के जो बेस है उससे डिवाइड करेंगे। रूल्स सेम है सबके लिए, 3, 9, 6। ये जो नंबर है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, तो अभी आएगा क्या, 4, 9, जिसका रिमाइंडर होगा 4। अभी फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर होगा 6 एंड रिमाइंडर होगा आपका 1। देखिए अब ये नहीं जा रहा है तो हम लोग कैसे इसको काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, रूल्स वही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 6, 1, 4। ये जो नंबर है ये ऑक्टल नंबर में आपका कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 है, मतलब इसका रेंज है 0 से 7। इसी रेंज के अंदर ये नंबर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी हम लोग एक और छोटे से एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। ये इंटीजर नंबर है तो अगर नंबर आपका फ्रैक्शन पे या फिर फ्लोटिंग नंबर, जो हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, वो होगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। चलिए एक और एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। नंबर लेते हैं हम लोग 4, 6, 9.35। ये जो नंबर है यह आपका डेसिमल नंबर पर है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है आपका ऑक्टल नंबर पे, जिसका बेस है 8। तो वही हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 8 से और इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, राइट। तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं 4, 6, 9। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे और मुझे माफ़ कर दीजिएगा हैंडराइटिंग के लिए। तो अभी इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 5, 8, जिसको 5, 8 इसका आंसर होगा एंड इसका रिमाइंडर होगा आपका 5। फिर से हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 7, रिमाइंडर होगा आपका 2। तो आंसर क्या होगा आपका, हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आंसर आएगा आपका 4, 6, 9 की जगह हम लोग लिखेंगे 7, 2, 5। अभी पॉइंट आएगा, अभी 0.35 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35। इसको अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2
2.40। अभी इस 2 को हम लोग लेंगे, फिर से 0.40 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 2, 0, अभी पॉइंट आएगा, तो इस 3 को लेंगे, फिर से 0.20 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.60 आएगा, अभी 1 को लेंगे। यहाँ पर भी हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, बट अगर आप लोग करना चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 4 टू 6 टाइम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि नंबर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर है। 4.80, तभी हम लोग इसको 4 को लेंगे, फिर से 0.80 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.40। देखिए अभी 40 फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये जिसका बेस है आपका 8, तो हम लोग बोल सकते हैं ये है हमारा आंसर, 4725.32146। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर 7, 2, 5.23, यहीं पर हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं, या फिर 3 की जगह हम लोग 4 लिख के भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर पे यहाँ पर रूल्स होता है, यहाँ पर ये जब कंटिन्यू होता है तो एक नंबर लास्ट के जो नंबर हम लोग लेंगे तो वहाँ पर एक नंबर ऐड कर सकते हैं, तो आपका एक्चुअल आंसर आएगा 7, 2, 5.24, ये आपका एक्चुअल आंसर आएगा जो आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका होगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 2, 3, 1 की जगह 2 लेकर इसको स्टॉप कर सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन द आंसर, जहाँ पर क्वेश्चन में जो आंसर दिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करके ये हम लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोई और दूसरे एग्जांपल से इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।